नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया एवं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन वर्ज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 30वां पत्रकारिता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। महामंडलेश्वर डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह व केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके अलावा नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बिहारी, पूर्व विधायक व वरिष्ठ पत्रकार रूप चौधरी, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग, समाज सेवी व भाजपा नेता पंडित शोभा राम शर्मा, उद्योगपति पवन चतुर्वेदी, राजीव ब्रजवासी, पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मुकेश वत्स, जी न्यूज डिजिटल के एडिटर अभिषेक मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार मोहन स्वरूप भाटिया और एएस देशभक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पत्रकारिता दिवस समारोह का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मानस सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया। एनयूजीआई के राष्ट्रीय सचिव उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने भी सभी अतिथियों का पटका उड़ाकर व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जनपद भर से आए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों व नगर के गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय के साथ हर क्षेत्र में बदलाव आया है और कठिनाइयां भी बढ़ी है, मगर इनसे हताश व निराश होने की बजाय आत्म मूल्यांकन व समय के साथ खुद को लगातार अपडेट करते रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया इस दौर में संवाद का बेहद सशक्त माध्यम है, जिसकी विश्वसनीयता कायम रखने इस कार्यक्रम से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल ने माना कि सक्रिय पत्रकारिता कर रहे लोगों को काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई बीमा योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विशेषकर पत्रकारों व अन्य लोगों को भी इनका लाभ लेना चाहिए। मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी सशक्त भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब मीडिया ने सकारात्मक दृष्टि से प्रगतिशील विचारधारा के लिए लोगों की राय बनाई है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि समाज में आज भी पत्रकार की छवि कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले और आम आदमी की आवाज उठाने वाले के रूप में है। उन्होंने इस संबंध में एक किताब का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें जानकारी दी गई है कि किस तरह मीडिया के उचित प्रयोग से आप अपने सामने उत्पन्न हुई कठिनाइयां चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्व सेनाध्यक्ष ने इसी के साथ यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान टूल किट का भी मामला सामने आया था, जिसमें हर कार्यों को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। आज पत्रकारिता दिवस मनाया गया है ब्रजवासी रॉयल होटल में और ये ब्रज प्रेस क्लब के द्वारा 30वां महोत्सव यहाँ ब्रजवासी रॉयल होटल में मनाया गया है। इसमें नेशनल ऑफ इंडिया के द्वारा, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा और ब्रज प्रेस क्लब के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन हुआ था। इसमें भाग लेने के लिए केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल बी के सिंह साहब और विधि न्याय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब दोनों ने इस महोत्सव में शिरकत की और उसके साथ हमारी राय बनी है कि आज जो बदलते युग में पत्रकारिता के, हमें बहुत जल्दी ऐसे वायरल कभी कभी बिना पुष्टि के चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें रोकना है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ वायरल जहां आपको शंका हो तो उस पार्टी को यानी दूसरे पक्ष को भी आप फोन करें, उसका वर्जन लें, जिससे उस खबर की पुष्टि उस हो जाएगी ये सही है या गलत है। बहुत चीज़ें गलत फहमी में वायरल हो रही हैं, उनको रोकना है। और हमारे साथ ये भी है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो जाबाज पत्रकार हैं, कोरोना काल में उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पर लगा कर, परिवार की जिंदगी दाव पर लगा कर के समाज और राष्ट्र की सेवा की, उनको सत सत नमन, उनके हौसले को अफजाई किया गया। अन्य राज्यों में पेंशन की व्यवस्था है पत्रकारों के 60 वर्ष होने के बाद, तो हम चाहते हैं कि ये यूपी में भी हो और विशेष कर ये हो, केंद्र से कानून बने और पूरे राज्यों में ये लागू हो। जैसे कोई कहीं कोई सरकार है तो वो तो पत्रकारों को दे रही है, कोई नहीं दे रही है, तो ऐसे दुविधा सी होती है। कई राज्यों ने पत्रकारों को सस्ते फ्लैट भी दे रखे हैं, सस्ते प्लॉट भी दे रखे हैं, उनको घर बनाने की सुविधा में हेल्प कर रखी है,
और उनको पेंशन की भी सुविधा दे रखी है, और हताहत होने पर घटना में उनको 20 और 10 लाख रुपए मिलते हैं। मैं चाहूँगा, हमने सरकार से यहाँ भी मांग किया, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, दोनों मंत्रियों से भी कहा है कि ये जो जब भी हमारा पत्रकार रिपोर्टिंग में हताहत हो उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिले, अगर वो परिवार में अकेला है तो उसके परिवार को एक नौकरी मिले, और उनको रहने के लिए एक घर की भी सुविधा जैसे आवास योजना के तहत मिले, तो ऐसी हमारी मांगे हैं। और पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई, हिंदी पत्रकारिता का जो है और आकाश छू में, इस चीज़ की आशा करते हैं और पूरा विश्वास है कि हिंदी पत्रकारिता फलेगी फूलेगी और आगे बढ़ेगी। दिवस पर सबको बधाई, हिंदी के उत्थान संरक्षण संवर्धन में बड़ा योगदान है पत्रकारों का। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी पत्रकारिता भारत की सभ्यता संस्कृति धर्म आध्यात्म के साथ स्वतंत्र निष्पक्ष एवं निर्भीक तरीके से पत्रकारिता करेगी। डेमोक्रेसी का ये चौथा स्तंभ जितना मजबूत रहेगा उतना ही आखिरी ये वैचारिक अंत्योदय होगा। निश्चित तौर से उनकी जो समस्याएं हैं या ज्ञापन है संबंधित मंत्री को अपनी सिफारिशों के साथ मैं पेश करूंगा।